आज हम ये शॉल के लिए डिजाइन बनाएंगे। तो ये मैंने शॉल के लिए डिजाइन बनाया है, तो आज हम ये वाला डिजाइन सीखेंगे। तो इस डिजाइन को आप शॉल में, जैकेट में भी बना सकते हैं। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऊन लिए 3 प्लाई की, और साथ में क्रोशिया लिया है। चार एमएम का लिया है, 4.5 एमएम का, और साथ में 7.5। तो पहले इसे हम नोट लगा लेंगे ऐसे करके। के बाद चैन बना लेंगे। आप शॉल पे जितनी बनाना चाहते हैं उतनी, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बना के बता रही हूँ डिजाइन। तो जितनी आपको चौड़ाई चाहिए होगी आप उतनी चैन बना लें। आप शॉल का नाप लेके उतनी चैन बना लें, इतनी चैन बनानी है। छोटी बड़ी, बड़े लेडीज़ के लिए छोटी, बच्चों के लिए अगर बनानी है बच्ची के लिए, तो आप उस हिसाब से इतनी इसकी चैन बना लें। पहले शॉल को आप इंची टेप से नाप कर और उसे फिर इससे नाप लें। तो मैंने इतनी बनाई है एक बार। अब चार चैन और बना लेंगे एक बार। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो 4 चैन हम इसकी ले लेंगे। 1, 2, 3, 4। तो 5वीं चैन पर डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे करके। डबल क्रोशिया बना लिया अब हमने। उसके बाद एक चैन बना लेंगे, फिर एक चैन यहाँ से छोड़ के दूसरी चैन पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद एक चैन बना लेंगे, फिर एक चैन छोड़ के एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चैन कर लेंगे, एक चैन छोड़ के दूसरी चैन पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन कर लेंगे। अभी भी 4 हो गए हैं, 1, 2, 3, 4। 4 हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चैन बना ली, 4 चैन बनाएंगे, 2, 3, 4। तो यहाँ भी हमने 4 चैन यहाँ से ली थी, 4 चैन, ये 8 चैन थी हमारी। 4 चैन हमने यहाँ बनाकर ऊपर, ये 8 होगी, तो 4 चैन हम यहाँ पे कर लेंगे, 4 यहाँ कर लेंगे, तो 8 यहाँ भी हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, चौथी चैन पे हम इसे बना लेंगे डबल क्रोशिया करके। इसे डबल क्रोशिया करके बना लिया है। फिर एक चैन बनाएंगे, जैसे ये 4 बनाई है हमने डबल क्रोशिया ये वाले, ऐसे ही बनाना है। एक चैन को छोड़ के दूसरी चैन पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, एक चैन छोड़ देंगे, दूसरी चैन पे डबल क्रोशिया कर लेंगे।
फिर एक चैन कर लेंगे, एक दो तीन, ये तीन बन गए। अब चौथी चैन एक चैन करके, तो एक चैन को छोड़ के तो दूसरी चैन पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर चार चैन बनाकर, तो चार चैन छोड़ के फिर डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक दो तीन चार, तो फिर एक दो तीन चार चौथी चैन पे इसे बना लेंगे। तो इसी तरह ये रो में कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ तक इसे बना लूँ, ऐसे ही बनाना है तो बना के बताती हूँ। तो हमने ये बना दिया इतना ऐसे करके। अब क्या करेंगे, दो चैन ले लेंगे, एक दो। अब हम इस तरफ से बना लेंगे बैक साइड से। तो ये जो हमने ये चार की चैन बनाई थी ये वाली, तो इसके हमने यहाँ पे पांच बार हमने एक बार ऐसे, दो बार और ये तीन बार ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल के फिर एक चैन बना लेंगे। फिर ऐसे दोबारा, फिर ऐसे ही करेंगे, एक बार दो बार और ये तीन बार, सबके अंदर बीच में से इसे निकाल के निकाल के फिर इसे निकाल लेंगे। फिर एक चैन बना लेंगे, दो बार हो गया हमारा ये। फिर तीन बार ऐसे कर लेंगे, एक बार दो बार, फिर ऐसे ऊपर धागा ले लेंगे तीन बार। अब इनके सारों के बीच में से इसे हम इसे निकाल लेंगे, निकाल के एक बार चैन बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे ऊपर। ये तीन बार हो गया हमारा, फिर एक बार दो बार ये तीन बार। इन सालों के बीच में से इसे निकाल लेंगे, बना के फिर एक चैन बना लेंगे। तो हमारे कितने बार, एक तीन, ये तीन बार हो गया। अब चौथी बार बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार। करके फिर इसे ऐसे बना लेंगे, फिर एक चैन बना लेंगे। अब चार बार हो गया, अब हम पांचवी बार बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार। तीनों को ऐसे सारों में निकाल के एक बार ऐसे निकाल लेंगे, फिर एक चैन बना लेंगे। फिर अब ये हमारे चार बने थे, एक दो तीन चार, तो बीच वाले ये वाले एक इधर छोड़ देंगे, एक ये वाला छोड़ देंगे, बीच के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बिना हमने चैन बनाए यहाँ बनाएंगे, वैसे ही हमने बनाना है डबल क्रोशिया करते हुए, एक बार दो बार तीन बार। उसके बाद ऐसे से निकाल देंगे इसे, ऐसे एक बार निकाल कर फिर एक चैन बना लेंगे। फिर उसके बाद एक बार दो बार तीन बार, तीन बार ऐसे करके फिर ऐसे सबके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इसे। निकाल के इसे निकाल लेंगे, फिर एक चैन बना लेंगे। दो बार हो गया हमारा ऐसे, फिर उस पर एक बार चैन बनाई, दो बार
फिर 3 बार। ऐसे चैन बना ली, फिर एक चैन बनाकर एक चैन और बना लेंगे ऐसे। अब 3 बार हमारा बन गया, अब चौथी बार बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ओके। इसे ऐसे निकाल के एक बार ऐसे मुड़ लेंगे, फिर दोबारा एक चैन बना लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 हो गए। अब 5वां बना लेंगे, 1 बार, 2 बार, फिर ऐसे धागा लेके 3 बार। ऐसे निकाल के एक बार ऐसे निकालेंगे, फिर एक चैन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 हुए। अब 5वां बनाना है हमने। एक बार ऐसे धागा ऊपर ले लिया, फिर 1 बार, फिर ऊपर से ऐसे धागा लेते हुए 2 बार, फिर ऐसे धागा लेते हुए 3 बार। यह हमारा पफ स्टिच कहते हैं इसको, ऐसे ठीक ऐसे बना लेंगे। अब एक बीच में ये होल छोड़ देंगे, एक साइड का ये होल, दोनों साइड होल छोड़ के बीच के होल में हमने बिना ऐसे धागे को लिए हुए सिंगल स्टिच बना लेना है ऐसे। फिर यहाँ पे भी हमने बिना चैन बनाए यहाँ पे बना लेना है। वैसे ही बनाना, ये बना लूँ और ये बनाकर फिर मैं आपको आगे बता दूँ। जैसे ये मैंने बनाए हैं ऐसे यहाँ पे बना लूँ। तो अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। तो 2 चैन बना लिए हमने, 3 चैन बनाने के बाद जो हमने ये बनाए थे पफ स्टिच, इसके अंदर हमने ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फिर 1 चैन बना ली, फिर दूसरे होल के अंदर, पहले होल के अंदर बनाया, दूसरे होल के अंदर बना देंगे डबल स्टिच करते हुए। 4 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन बना लेंगे, फिर अगले होल के अंदर, इस अगले होल के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे करके। कितने हो गए, 1, 2, 3, और लास्ट बचा है 1 चैन बनाते हुए इस पे भी डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। डबल क्रोशिया 4 बन गए। अब जो ये हमारे यहाँ पे 4 बने थे, 1, 2, 3, 4, अब इसके ऊपर हम 4 बार चैन बना लेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और जो ये हो हमने बनाए थे ये पफ स्टिच, इसके अंदर हो जितने होल बनेंगे 4 हमें बनाने हैं। तो पहला डबल क्रोशिया हमने बना लिया, फिर 1 चैन बना ली। अब अगले पफ स्टिच के अंदर एक होल है इसके अंदर, जो 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे 2, 1, 2 बन गई। फिर एक हम चैन कर लेंगे, फिर अगले पफ स्टिच के होल के अंदर बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे। फिर 1 चैन बना लेंगे, फिर एक ये अगले होल के यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। अब 4 चैन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 चैन बनाने के बाद पहले पफ स्टिच के अंदर यहाँ पे होल के अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 चैन हमने यहाँ पे बना लिए, जहाँ पे ये पफ स्टिच है वहाँ पे 4 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। जहाँ पे ये 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर चैन बना लेंगे। तो दोबारा से ऐसे ही डिजाइन हमारा शुरू हो जाएगा। तो 1 चैन बना लेंगे, बनाने के अगले पफ स्टिच के होल के अंदर 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 1 चैन बना लेंगे, फिर अगले पफ स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 1 चैन बना लेंगे, फिर अगले पफ स्टिच के अंदर होल के अंदर 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे,
फिर एक चैन बना लेंगे, फिर होल के अंदर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर चार चैन बना लेंगे, एक दो तीन चार। फिर ऐसे ही इन चार जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए चार, इनके ऊपर से चार चैन बनाते हुए ये पफ स्टिच बनाए हैं, इनके होल के अंदर हमने ये एक डबल क्रोशिया करते जाना है। फिर एक चैन, फिर एक चैन अगले होल के अंदर डबल क्रोशिया कर लेना है, फिर एक चैन फिर अगले होल के अंदर डबल क्रोशिया कर लेना है, फिर एक चैन अगले होल के अंदर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये ऐसे बन रहा है डिजाइन। फिर अगली तरफ ऐसे कर लेंगे, फिर एक चैन बनाकर ये चार हमारे बने थे, एक तीन और ये चार। अब दो को छोड़ के, अब ये दो को छोड़ के यहाँ पे बीच के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। सिंगल क्रोशिया कर लिया, ये बीच के अंदर एक साइड में ये छोड़ दिए, एक साइड में ये छोड़ दिए, बीच में सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर अगला जो होल हमने बनाया था यहाँ पे चार चैन का, इसके अंदर दोबारा से ऐसे ही पफ स्टिच बनाते जाएंगे, एक बार बता देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बनाकर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। सॉरी, पफ स्टिच बनाना है एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके इसे निकाल देंगे। फिर एक चैन बना लेंगे, फिर ऐसे ही एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे निकाल लेंगे, दो बार हो गया। फिर उसके तीन और ऐसे बनाने पफ स्टिच, एक चैन बना लें, एक बार, दो बार, तीन बार, इतने सारों के बीच में से इसे ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक बार ऐसे बना लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। तीन बार बना लिया हमने पफ स्टिच, एक बार, दो बार, तीन बार, अब तीनों के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल कर एक बार ऐसे बुन के फिर एक चैन बना लेंगे। तो हमारे तीन हो गए, एक दो तीन, अब चौथा बना लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, इनके सारों के बीच में से निकाल के ऐसे बुन के फिर एक चैन बना लेंगे, एक दो तीन चार हो गए, फिर पांच बना लेंगे, एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर आगे वैसे ही बनाते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था। फिर मैं आपको बनाकर उसके बाद आके बताती हूँ, जैसे ये मैंने बना लिया है इसे आगे और ऐसे बना लूँ। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद ऐसा लगेगा, ऐसे बनेगा ये डिज़ाइन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।